नमस्कार, मैं हूँ पूर्वी कोठारी। स्वागत करती हूँ आपका हमारे कार्यक्रम में। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं दी वन एंड ओनली फेमस रेनाउंड पर्सनालिटी डॉक्टर एनके शर्मा। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। जैसा कि हमारा पहला सवाल है सर, हाल ही में मैं एक प्रोग्राम देख रही थी टीवी पर, उसमें कुछ ग्रहों के बारे में चर्चा चल रही थी। तो वो ऐसा बता रहे थे कि शनि का ग्रह शांत करने से तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, मंगल का ग्रह शांत करने से तुम्हारी ये विशेष पूरी हो जाएगी। सर ऐसा कुछ होता है जिससे विशेष पूरी हो जाए? देखिए पूर्वी जी, ऐसा है कि आदमी बेचारा अपने जीवन में बहुत परेशान है, बहुत कुछ पाना चाहता है। तो अब हमें सदियों से हमारे दिमाग में हमारे पंडितों ने, हमारे ज्योतिष लोगों ने ऐसा ग्रहों का डर हमारे दिमाग में डाल दिया है कि हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हमारा दिमाग जो है कितना भी समझदार या लॉजिकल भी होता है तो भी हम इस विषय पर कोई संदेह भी नहीं कर पाते हैं। सर बट आजकल इतनी प्रैक्टिकलिटी आ गई है, इतना एजुकेशन, मतलब सब एजुकेटेड है, तो भी ऐसी जो बताते हैं कि शनि से ग्रह के शांत होने से ऐसा हो जाएगा, एक एजुकेटेड इंसान भी हर शनिवार को मानता है, मतलब हर शनिवार व्रत करते हैं, ऐसा क्यों अभी भी परंपरा चलती आ रही है? हाँ, देखिए क्या होता है पूर्वी जी के, वास्तव में हमें ये बहुत एक कॉमन सेंस से सोचना है कि क्या शनि मंगल ये जितने भी नव ग्रह है, क्या ये कोई व्यक्तित्व है? क्या ये हमारी बातें सुनते हैं? क्या ये हमारी भावनाओं को समझते हैं? कैसे शांत हो जाएंगे? और आप एक सिंपल साइंस के विद्यार्थी की तरह आप जरा सोचें, कोई भी प्लैनेट दुनिया में क्या है? अगर आप अभी जैसे लोग चांद पे गए, मंगल पे गए, तो क्या उन्होंने पाया? कुछ रेत, चट्टाने, मिनरल्स, यही तो, या कुछ गैसेस, यही तो उन लोगों ने वहाँ पे पाया। तो ये चीज़ें क्या तुम्हारे जीवन को बिगाड़ देगी? सर जैसे कि हम अभी हाल ही में देखते आते हैं कि हमने आज मून पे ये चीज़ें देखी, हम विश्वास भी कर लेते हैं। हाँ जी। तो ये सब जानने के बावजूद भी हम ये कैसे विश्वास कर लेते हैं कि ये ग्रह होते हैं जिसमें भगवान शनि का प्रकोप होता है या ऐसा कुछ? वो देखिए पूर्वी जी, एक्चुअल में मैं ऐसा मानता हूँ, जब आपके अंदर कोई व्यवसाय करना हो, लालच पैदा हो जाता है, तो फिर हम लोगों के भय के ऊपर हम अपने आमदनी या अपनी रोजी रोटी को चला रहे होते हैं। वास्तव में कोई भी ग्रह, कोई क्या कह सकते हैं कि कोई भावात्मक व्यक्तित्व नहीं है, कोई इमोशनल कैरेक्टर नहीं है कि आपने उसका बहुत नाम लिया, आपने बड़ी तारीफ कर दी उसकी, या आपने कोई चढ़ावा बोल दिया, या आपने कहीं जाकर उसके ऊपर तेल चढ़ा दिया कि आपने उसको फूल मालाएं पहना दी और वो ग्रह ऊपर से देख के कह रहा है आ हा बड़ा मज़ा आ गया भाई, अब तो मैं तेरे ऊपर से सारी किरणें वापस ले लूँगा। तो अब ये सारे लोग इतने भोले बेचारे कैसे ऐसे सोच पाते हैं, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि क्यों। और गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि डर सदियों से डाल दिया गया, क्योंकि अभी का नहीं है। और जैसे कि ये सारे डर ग्रहों के कहीं पर भी दुनिया में नहीं है, सिर्फ भारत के अंदर है बस। और भारत में भी शायद दूसरी कौम इतना डरती नहीं होगी जितना हिंदू कौम इससे बड़ी डरती है और बड़ा डराया गया है, मैं यूँ कह सकता हूँ। आप विदेश जाइए, जगह जगह दुनिया में घूमिए, जर्मनी जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, अमेरिका जाइए, जापान जाइए, मैं तो कहीं पर भी ये शनि मंगल राहु के तो शब्द सुनने में भी नहीं आता, लेकिन भारत के अंदर ये शब्द घर घर में सुनाई दिया जाता है। कोई भी ग्रह आपको परेशान करने के लिए नहीं घूमता, वो कोई आपका धंधा चौपट करने के लिए नहीं घूमता। और अगर ग्रह घूम रहा है तो क्या पैदा होगा, आप जरा खुद ही कॉमन सेंस से सोचिए। मान लीजिए एक प्लैनेट रोटेशन कर रहा है, एक बुध रोटेशन कर रहा है, मंगल रोटेशन कर रहा है, तो यूनिवर्स में क्या घट रहा है? सिर्फ तरंगे अप एंड डाउन हो रही है ना। अच्छा, अब तरंगे हमारे आसपास में अप एंड डाउन जब होती है तो वो इतना जोरदार प्रभाव हम पर नहीं डालती जितना कि हम सोचते हैं।
मैं आप जब हमारे ट्रेनिंग वर्कशॉप में आए कभी आप आके बैठिए, मैं उसमें प्रूव करके बताता हूँ कि उनकी जो तरंगों की जो किरणें हैं ना, वो 5 ग्राम की भी नहीं है, 5 ग्राम की, और आपकी जो ऊर्जा क्षेत्र है ना, वो 100-100 किलो की चीज़ों को धक्का मार के दूर रख सकता है, इतनी आपके शरीर में क्षमता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा शरीर कोई इतना कमज़ोर नहीं है कि आसपास की कोई किरणों से और ग्रहों की किरणों से एकदम प्रभावित होने लग जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपकी ऊर्जा कमज़ोर होती है, जब आपकी जीवनी शक्ति कमज़ोर होती है, आपका मन आपका कमज़ोर होता है, तो फिर आपकी रेसिस्टेंस पुअर होने के कारण फिर तो आप एक मामूली सी आवाज़, एक मामूली सा जोर से एक हवा भी चल पड़े, ठंडी सी मामूली ठंडी हवा, वो भी आपको तंग करके रख देती है। सर, पर एक हमारे ऑडियंस में से एक का सवाल था कि उन्होंने ये प्रयोग किए, उन्होंने जब शनिवार मंगलवार वो करना बंद किया तो थोड़े दिन तो उनकी जो रेलगाड़ी थी वो सही पटरी पर चली, बट बाद में वापस से वो सही ट्रैक पर नहीं चल पाई। सर देखिए क्या होता है पूर्वी जी, आपको जब इस प्रकार के डर डाले जाते हैं और आप फिर शनिवार करने लगते हो, आप किसी मंदिर में जाने लगते हो, आप कुछ प्रयोग करते हो, कुछ पीपल में पानी डालते हो कि आप दान देने लगते हो, तो आप जरा सोचिए कि ये सब करने से कौन खुश हो रहा है संसार में, किसको फर्क पड़ रहा है। इससे फर्क इतना पड़ता है कि चूंकि आपके अंदर अपनी समस्या से मुक्त होने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, इसका मतलब तो आप अपने अचेतन मन को इस प्रकार की प्रोग्रामिंग करती है। और ये भी ध्यान में रखना, मेरे इस कार्यक्रम को अगर आप लगातार देख रहे हैं तो मेरे अचेतन मन के प्रोग्राम को देखकर आप समझ जाएंगे कि इस दुनिया में जो कुछ भी घटता है, अच्छा घटता है, बुरा घटता है, सब अचेतन मन के कारण घटता है। मैंने उसके बारे में एक छोटा सा शेर लिखा है कि हमारे ही डर हमारे ही विश्वास, हमारे ही डर हमारे ही विश्वास, बंधाते हैं आस या करते हैं निराश। डर भी तुम्हारे ही हैं, विश्वास भी तुम्हारे हैं। तो जैसे ही तुम कुछ करने लग जाते हो तो तुम्हारे अचेतन मन में एक प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मेरा काम हो जाएगा, अब मुझे शांति मिल जाएगी। और फिर जब तुम छोड़ने लगते हो तो तुम्हारे मन में पुराना डर आने लगता है कि अरे मैंने छोड़ दिया तो ऊपर से शनि मंगल देख रहे होंगे कि अरे इसने तो छोड़ दिया सारा काम वापस, अरे वापस फिर ने छोड़ इसके ऊपर, फिर इसको तंग कर दोबारा ताकि इसको फिर से अकल आए। और हम लोग इस बात को बड़े आसानी से मान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये शनि मंगल जितने भी हैं ये जंगल में जाके बैठो तो काम नहीं करते, ये जैसे शहर में आते हैं इच्छाएं सपने देखना शुरू करते हैं, हम पे लगने शुरू हो जाते हैं, और जवानी में ज़्यादा लगते हैं, बुढ़ापे में कम लगते हैं। इसलिए तो रिटायर्ड आदमी जो होता है उसको शनि मंगल लगने बहुत कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। क्यों? इच्छाएं सपने कम, शनि मंगल भी कम। और ये जो शनि मंगल शनि जो होते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा जोक आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति पंडित जी के पास गया, जाकर उसने कहा पंडित जी मेरा हाथ देखो। पंडित जी ने हाथ देखा, पंडित जी ने कहा अरे भाई तेरे पे बड़ा भारी शनि है। तो उसने कहा बोला क्या करूँ महाराज? तो बोले कुछ नहीं, 100 रुपये दे दे, सब ठीक कर दूंगा। उसने कहा महाराज गरीब आदमी, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, 50 दे दे, तो भी ठीक कर दूंगा। उसने कहा महाराज 50 भी नहीं है। तो बोले चल 11 तो दे दे भाई। उसने कहा महाराज इतना भी नहीं है। तो बोले जा शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो बिगाड़ने को भी कुछ चाहिए तो सही ना। और मज़ेदार बात ये, हमारे भारत के अंदर कोई भी पंडित या कोई भी ज्योतिष कहता है कि चिंता मत कर, अगर तुझ पे शनि लग गया है, अगर तुझ पे मंगल लग गया है, मैंने उसकी ऑथराइज्ड एजेंसी मेरे पास ही है सारी, और जैसे मेरे पास में थोड़े पैसे आए, या तुमने मेरा नग खरीदा, या तुमने मेरा ताबीज खरीदा, मेरा यंत्र खरीदा, तो बस शनि महाराज को SMS चला जाएगा, यहाँ से एक ईमेल भेज दूंगा, बस वहाँ से वो अपनी सारी किरणें वापस खींचना शुरू कर देंगे। हम कितने भोले हैं कि हम इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, और हम ऐसा मानकर
हम इनको पैसे भी देते हैं और हम डर डर के इन ग्रहों से डर डर के जी रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इतना ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान ने ग्रह पैदा करके तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की और सारे दिन आबाद करने की कोई उन्होंने कोई प्रोग्राम बना के नहीं रखा हुआ है। सर, जैसे कि अभी हमने ग्रहों के बारे में बात की, बट भारत में सबसे बड़ी समस्या है काले जादू की, उसके बारे में आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे सर? इसमें कोई शक नहीं है कि अगर दुनिया में वाइट मैजिक होता है तो ब्लैक मैजिक भी ज़रूर होता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है तो उसकी ऑपोजिट नेगेटिव एनर्जी भी होती है। इसलिए काला जादू नहीं होता ये मानना तो गलत बात है, बल्कि काला जादू उतना ही सच है जितना आज सफ़ेद जादू भी सच है। जिस तरह हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हम जब पूजा पाठ ध्यान कुछ काम करते हैं तो वहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, तो उसी तरह एक नकारात्मक ऊर्जा का भी निर्माण होता है। काले जादू का प्रयोग करने वाले लोग इस एक नेगेटिव तरह की जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसफ़र करने की तकनीक को वो लोग जानते हैं। और जैसे कि मैंने अपने कार्यक्रम में टेलीपैथी के बारे में बताया कि टेलीपैथी में हम अपने विचारों की तरंगे संसार में कहीं पर भी फेंक सकते हैं, चाहे उसमें समय और सीमा का कोई मतलब नहीं है। तो जिस तरह हम अपने प्रार्थनाओं की तरंगे, अपने अच्छे भावनाओं की तरंगे, यानी तो रेकी ऊर्जा की तरंगे आज हम संसार में कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो उसी तरह काले जादू की भी तरंगे, गलत भावनाओं की तरंगे भी संसार में ट्रैवल करती है। आप रेडियो में गाली बजाएं या आप भजन बजाएं, दोनों तरंगे तो पास होने वाली है। तो इसीलिए काला जादू निश्चित रूप से होता जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर 90% काला जादू करने वाले लोग है ही नहीं। ये लोग एक प्रकार से नाटकीय होते हैं, ढोंगी होते हैं, इनके पास काला जादू की कोई विद्याएं नहीं होती, लेकिन हाँ ये लोग चालाक जरूर होते हैं। और ये लोग चालाकी से हमें डराकर, हमें कई तरह के नाटक पैदा करके ये हमें काले जादू के एक्सपर्ट होने का हमें आभास जरूर देते हैं। तो इसीलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर, आप हमारे दर्शकों को ऐसी कौन सी टिप्स देना चाहेंगे जिनसे उनके मन में वो जो भय है काले जादू को लेकर वो ना रहे? वैसे तो मैंने अभी बताया कि हमारे क्लास में हम बहुत सारी तकनीकें सिखाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दो चार चीज़ें मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आप उसको समझ जाएं तो फिर आपको काले जादू का डर कभी नहीं रहेगा। एक तो आपका तनाव, आपके भय, आपके नेगेटिव इमोशंस, ये सब आपके आभा मंडल, जिसको हम ऑरा या ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो हमारी छोटी पड़ जाती है, वो उसको रेसिस्ट नहीं कर पाती। अगर कोई तरंग हमारे आसपास आ रही है तो आपने कभी भी नोट किया होगा, जब भी आप डिप्रेस होते हो, आप जब भी दुखी होते हो, तनाव में होते हो, उस समय आपको हर चीज़ आपको नुकसान कर रही होती है। और दूसरी तरफ अगर आपके खाने में आप जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि खोखले खाने हैं, मैदा, चीनी, तले हुए, और आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, आप रेस्ट प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, फिर वो रेसिस्ट नहीं कर पाती उस चीज़ को, क्योंकि है तो तरंग ही ना। आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हर चीज़ एक तरंग है और कुछ नहीं है, और आप अपोजिट तरंग पैदा करो, ये उसका नियम है। तो आप सबसे पहले अपने मानसिक जो नेगेटिव भाव है उनसे मुक्ति का प्रयास करें, आप ध्यान का प्रयोग करें, पॉजिटिव सोच की तरफ जाएं, कोई अच्छे अच्छे प्रवचन या मोटिवेशनल चीज़ें सुने, जिससे कि आपके मन में, आपकी धारणाओं में, मान्यताओं में, एटीट्यूड में चेंज आए। और उसके अलावा रेगुलरली
ऐसा भोजन करें कि जो आग और मशीन में कम से कम बर्बाद हो गया हो, जो पूर्ण हो, जैसे फल, सलाद, अंकुरित दालें, जूस, मेवे। ये आहार जो होते हैं ये बड़े प्राणवान और ऊर्जावान आहार होते हैं। आप जितना नेचुरल फूड का इस्तेमाल करते हैं उतनी आपकी ऊर्जा क्षेत्र प्रबल होती है। सर, आजकल जो ये यंगस्टर्स की ट्रेंड चली आ रही है जिमिंग करते हुए फुल ऑन म्यूजिक सुनना एंड देन वो नेचुरल फ्रूट्स लेना, क्या ये सही है या उन्हें प्राणायाम या योगा करने के बाद ये चीज़ें लेनी चाहिए? जब आप एक्सरसाइज करते हो आप, तो शरीर को एक अच्छे भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेवे और अंकुरित दालें, अगर कोई सोचता है प्रोटीन की भाषा में, तो मेवे अंकुरित खाएं, ये नॉन टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं। अगर हम मीट, अंडे, दूध, पनीर और दालें खाते हैं तो उसकी वेस्टेज ज़्यादा बनती है, उसका फिर हमें थोड़ा सा उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए जितना आपका आहार अनकुक्ड, अनप्रोसेस्ड, नेचुरल होता है उतनी आपकी ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। आप एक बॉयल सब्जी सूप से, जिसकी ऊर्जा 10% की होती है, आप उससे अच्छी ऊर्जा की आशा नहीं कर सकते। जैसे आप घरों में ताज़ी फल सब्जियां लाते तो 8 दिन तक रख लेते हो, और उबालने के बाद में 8 घंटे भी रख नहीं सकते। तो आप 8 घंटे वाली एनर्जी से कैसे आशा करोगे कि मेरी ऊर्जा प्रबल रहे? तो इसलिए आपका आहार नेचुरल होना चाहिए और अनप्रोसेस्ड होना चाहिए, और विथ टोटल सारे मिनरल, विटामिन, फाइबर जो चाहिए उसके साथ होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपकी रेसिस्टेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। और अगर साथ में एक्सरसाइज आप रेगुलरली कर सकते हैं तो इसका इस्तेमाल करें, उससे भी आपकी एंड्योरेंस और एनर्जी लेवल हाई होता है। फिर रेस्ट टाइमली लें ताकि आपके शरीर में रिचार्जिंग बराबर हो। और उसके अलावा आप कोई भी मंत्र जाप, जो भी भगवान को आप मानते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, उसका मंत्र जाप रेगुलरली करें, क्योंकि वो भी बड़ा रिलैक्सिंग और एनर्जी क्रिएशन का एक विज्ञान है अपने आप में। और अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान का प्रयोग करें, तो उससे भी आपकी ऊर्जा बहुत प्रबल हो सकती है। और अगर आप कोई भी इस प्रकार के क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं, स्पटिक वगैरह, जो कि हमारे एनर्जी फील्ड को बड़ा बढ़ा देते हैं, तो उसको भी आप अपने आभा मंडल में जोड़ सकते हैं। और रेकी तो खैर एक बहुत वंडरफुल ऊर्जा का सोर्स ही है। तो जो लोग रेकी सीखते हैं और रेकी जानते हैं, उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा कभी उनके ऑरा में एंटर तक नहीं कर सकती, अगर कोई रेकी का प्रयोग करता है तो। तो इस तरह से पूर्वी जी, ये बहुत सारे सिंपल थोड़े से तकनीक हैं, टिप्स हैं, जो हमारे दर्शक लोग यूज़ करके अपने आभा मंडल को शक्तिशाली बनाकर इन नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। सर, आपने अभी क्रिस्टल्स का कहा, पर जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है वो भी ये क्रिस्टल्स और जो जेम्स उनका यूज़ कर सकते हैं? हाँ, उसमें कोई रेकी तो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक अलग से पावर है। अगर आप सीख लेते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हैं तो आप क्रिस्टल्स और जेम्स, जो भी इसकी विद्या चली आ रही है सदियों से, आप उनका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं थोड़ा एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करती हैं। तो इसीलिए इन किसी भी चीज़ों का विरोध नहीं है, पर आप इनके ऊपर लटक जाते हैं और इन्हीं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आप बैंड हो जाते हैं, तो फिर आप अपने आप को आप एक गलत आदत में घुस जाते हैं। उससे अच्छा है अपनी शक्तियों का विकास करें, क्योंकि जितनी आपकी शक्तियों का विकास होता है, आप जितने आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ जीते हैं, उतनी आपकी एनर्जी बहुत बड़ी होती है। देखिए, मैं यूँ कहता हूँ कि आपसे बड़ा क्रिस्टल, आपसे बड़ा रुद्राक्ष, आपसे बड़ा पुखराज, आपसे बड़ा नीलम दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए आप अपने अंदर की शक्तियों को मजबूत करें, और वो कैसे होता है, ज्ञान से, नियमों को जानने से। तो इसीलिए मेरे इस प्रोग्राम का सारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के पुरानी धारणाएं, आपकी सारे भ्रम, अंधविश्वास टूटें और आप इस नई तकनीक के साथ में जुड़ें, नियमों को जानें, तो आप अपने आप जो हैं अपनी आत्मशक्ति को बहुत बढ़ा सकते हो, और उससे फिर आप आगे प्रगति कर सकते हो।